सावन के पहले सोमवार को भक्तों की भीड़ खुद ब खुद खींचती चली गई बाबा भोलेनाथ के दरबार में। भोले बाबा मंदिर का सजा परिसर और नाचते गाते हजारों भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में भोर से ही जुटनी शुरू हो गई थी। भोले बाबा की आराधना में डुबकी लगाते हर भक्त के चेहरे पर गजब का उत्साह था। घंटों लंबी लाइन में लगे भक्तों को बस इंतजार था तो बाबा के दीदार कर जल चढ़ाने का। जल का इंतजाम मंदिर परिसर में भी था। वही कुछ बगल के स्वर्णरेखा नदी तट से जल लेकर आते दिखाई पड़े। बच्चे जवान बूढ़ा बूढ़ी लड़के लड़कियों हर किसी में आज फर्क मिट गया था। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना ही कोई भेदभाव। ये अद्भुत सा नजारा दिखा देश के दूसरे सबसे बड़े विराजे 108 फीट लंबा शिवलिंग परिसर का। सुरेश्वर महादेव मंदिर के आंगन में पूजा प्रसाद की दुकान सजाए बैठी राखी बोली, भोले बाबा की रहमत क्या बरसी, मेरी जिंदगी ही बदल गई। अब रोजी रोटी की कोई चिंता नहीं होती, पहले से बहुत बढ़िया हो गया है, बता भी नहीं सकती। पूजा की थाल सजाकर देने का एक अलग ही आनंद है, मन को बहुत सुकून मिलता है। टाटी सिलवे से आई एक गृहिणी भक्त ने कहा कि सावन में बाबा को जल चढ़ाने का इंतजार साल भर से रहता है, आज तो नारियल फोड़ कर ही रहूंगी। वहीं कतार में लगी सुनैना चाची ने कहा, बाबा के दरबार में आते ही सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। राजधानी के दूर दूर के मोहल्ले से आए ज्यादातर शिव भक्तों ने बस यही कहा, बाबा का बुलावा आया है और हम चले आए। बोलबम के जयकारे के साथ लोगों ने कहा कि सबके आंगन में खुशहाली और सबका भला करेंगे भोले बाबा। मंदिर के पुजारी ने कहा, सावन की पूजा में भोले बाबा खुश हो जाते हैं। वहीं इस मंदिर का निर्माण करने वाले समाज सेवी सुरेश साहू ने कहा कि स्वर रेखा नदी तट पर बने ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करने की दिशा में सरकार को अविलंब सोचना चाहिए ताकि भक्तों को नदी का साफ जल मिल सके। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े संतोष ने कहा, मंदिर में उमड़ी भीड़ देख मन बहुत गदगद है, भक्तों की सेवा एक अलग सुकून दे जाता है। हाउस वाइफ थे, बाबा के शरण में आके बैठ गए हैं। भोले बाबा के आशीर्वाद से रोजी रोटी कैसे चल रही? बहुत ही अच्छे चल रहा है। तो भक्त आते हैं और थाल में क्या क्या देती हैं आप उनको? उसमें नारियल देते हैं, गंगा जल देते हैं, इलायची दाना, रोड़ी, सिंदूर, अक्षत, मधु, फिर भांग, चंदन, पेड़ा, फूल, बेलपत्र, अगरबत्ती। तो आज लिंगेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो कितने समय से लगे हुए हैं? आधे घंटे से तो लगे हुए हैं। तो आज पूजा स्पेशल आप क्या करने वाले हैं? आज पहली सोमवार है, भांग चढ़ाने वाले हैं, नारियल फोड़ने वाले हैं, पर मांगने वाले हैं और क्या। जिनके पास है वो उनके सफलता के लिए प्रेयर करेंगे, जिनके पास नहीं है वो अच्छे वर के लिए प्रेयर करेंगे। हमारा अभी करंट एग्जाम आने वाला है, ठीक है, और क्योंकि हम लोग फोर्थ ईयर में ऑलमोस्ट चली गए हैं, तो हमारे प्लेसमेंट टाइम भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग आज यही मानेंगे कि जितने भी हम लोग सब हैं, हमारे जितने दोस्त लोग हैं, हम लोग सब कोई अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। बस मेहनत हमें करना है, नो डाउट, मेहनत तो हमारा रहेगा, बस भगवान का आशीर्वाद चाहिए। और जो भी हमारा प्लेसमेंट टाइम होने वाला है, हम यही चाहेंगे कि जितने भी हमारे दोस्त हैं वो अच्छे अच्छे कंपनीज में जा करके सेटल हो जाए। जी मेरा भी तो यही है कि अभी जो हमारे एग्जाम आने वाले हैं वो बस अच्छे से हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ से एक प्रार्थना कि हमारे बच्चा लोग का दूध रोटी मिल जाए, बस काफ़ी है। प्रैक्टिंग वगैरह सब लगवाए हुए थे, वॉलंटियर हम लोग नियुक्त कर चुके थे पहले से, इसलिए हम लोग को कहीं असुविधा, भीड़ के बावजूद असुविधा कहीं नहीं हुई। लोग जल जो है यहाँ से ले रहे हैं नल से, और बगल में नदी है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ भी था, कभी चालू ही नहीं हुआ। हम लोग राज्य सरकार से अपील करते हैं, इसको जांच कर जो ट्रीटमेंट प्लांट बना उसको जल्द से जल्द चालू करें, ताकि श्रद्धालु जो आते हैं वो नदी से जल लेके यहाँ पे चढ़ावे। लड़कियों को या लड़कों को कोई विशेष ध्यान रखना चाहिए शिव मतलब भोलेनाथ की आराधना के लिए? हाँ, शिवार्चन में, शिव पूजा में लड़का लोग को भी, लड़की लोग को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पूजा अर्चन के समय किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भगवान का अर्घा जो है, जो जल गिरता है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फटा हुआ बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, इस सब पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमें आशा थी कि ऐसा होगा, लेकिन इतनी भी आशा नहीं थी जिस प्रकार से भगवान भोले ने अपने भक्तों को इस ओर खींचा। अभी मैं पीछे 1 किलोमीटर से देख रहा हूँ कि पीछे लाइन लगी हुई है, तो खुशी होता है, चूँकि हम लोग न्यूज़ से जुड़े हुए हैं इस जगह से, इस स्थल से, तो ऐसे लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग का जो मेहनत था वो सफल रहा। मंदिर बन चुका है और नदी की हालत ठीक है, तो इस पर आप क्या कहें?
मंदिर में यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगी हुई है, लेकिन लगने के बाद भी अभी तक किसी तरह का कोई काम नहीं शुरू हुआ। सैकड़ों करोड़ रुपए उस पर फूंक दिए गए, लेकिन अभी तक नदी पे जाकर देखिए नाले में तब्दील हो गई है। पूरे रांची शहर का जितने का नाली का पानी है उस नदी में गिरता है। तो स्वर्णरेखा मंदिर, स्वर्णरेखा नदी जिसको हम लोग बचपन से देखते थे, बचपन में लाकर के नहाते थे, आज अगर उसमें खड़े हो जाए तो मुझे कहना नहीं कि बीमारियों की मैंने लड़ी लग जाएगी। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोरे 4 बजे से ही हजारों हजार की भीड़ हो रही है और भक्तों की किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही। हम लोग भक्तों से जानकारी ले रहे हैं कि भाई किसी प्रकार की आपको असुविधा है, भक्त बोल रहे कि नहीं बहुत बढ़िया व्यवस्था है मंदिर की, है ना। कोहराम लाइव के लिए सीनियर जर्नलिस्ट पवन ठाकुर के साथ नंदिनी सिंह की रिपोर्ट।